नमस्कार, आप देख रहे हो गोल्डन बिज। अगर आप भी देश के किसी भी इलाके में पेट्रोल पंप खोलकर कमाई करना चाहते हो तो ये खबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि सरकार अब दूर दूराज के इलाकों में पेट्रोल पंप खोलने की योजना पर काम कर रही है। वही सरकार ने ईंधन क्षेत्र में खुदरा नीति जारी की है और इसके तहत ईंधन की खुदरा बिक्री के क्षेत्र में उतरने वाली कंपनियों को देश भर में कम से कम 100 पेट्रोल पंप लगाने होंगे और उनमें से 5% पेट्रोल पंप दूर दूराज इलाकों में होने चाहिए। वही सरकार ने पिछले महीने ही कंपनियों के लिए पेट्रोल पंप खोलने के नियमों में ढील दी थी। वही सरकार ने गैर पेट्रोलियम कंपनियों को क्षेत्र में उतरने की अनुमति दे दी है और उसी के साथ में पेट्रोल पंप का लाइसेंस पाने वाली कंपनियों को पेट्रोल पंप का परिचालन शुरू होने के 3 साल के भीतर CNG, बायो ईंधन, LNG, इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन आदि जैसे वैकल्पिक माध्यम में से किसी भी एक सुविधा को भी लगानी होगी। यानी कि इससे पहले पेट्रोल पंप के लाइसेंस को पाने के लिए कंपनी को पेट्रोलियम क्षेत्र में 2000 करोड़ का निवेश करने की जरूरत होती थी, जो कि अब जरूरत नहीं होगी। यानी कि अब नए नियमों के मुताबिक पेट्रोल पंप के फुटकर कारोबार का लाइसेंस पाने के लिए आवेदन करते समय कंपनी का न्यूनतम नेटवर्थ 250 करोड़ होना चाहिए। वही सरकार ने पेट्रोल पंप पाने का आवेदन शुल्क 25 लाख रुपए तय किया है।